everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. आज हम सभी कोरोना वायरस की थर्ड वेव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है बच्चों के लिए, ऐसा सुन रहे हैं सभी लोग। तो ये कितना सच है और कितना झूठ, आज हम इसे जानते हैं। मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में थर्ड वेव फिनिश भी हो चुकी है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश में फोर्थ वेव स्टार्ट भी हो चुकी है। लेकिन स्टिल इंडिया में अभी सेकेंड वेव चल रही है, जो कि सितंबर तक चलने के चांसेस हैं, और विंटर सीजन में थर्ड वेव के आने के चांस दिखाई दे रहे हैं या न्यूज में पता चल रहा है या काफी कुछ लोगों का प्रेडिक्शन भी है। तो बच्चों में अक्सर कर सर्दी, खांसी, जुकाम रहता है, हो जाता है ठंड के मौसम में, और ये जनरल सिम्टम है। लेकिन यदि उस पे COVID-19 भी हो जाए बच्चों को, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो आज हम जानते हैं और समझते हैं कि बच्चों के लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस हेल्पफुल हो सकती हैं जो कि इन्हें थर्ड वेव से बचा सके, या फिर यदि पहला सिम्टम ही आया और ये मेडिसिंस दे दी जाए तो उनके लिए किस हद तक और कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे। उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए समझते हैं अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में, जो कि फर्स्ट सिम्टम या फर्स्ट स्टेज पर ही दी जाए तो बहुत जल्दी हेल्पफुल हो सकती है कि डिसीज प्रोग्रेस ना करें या डिसीज ठीक हो जाए। यदि बच्चों को अचानक से बुखार आ जाए, सर्दी, खांसी हो, छींके आने लगे, ऐसा हो तो 24 घंटे के अंदर ही एकोनाइट मेडिसिन दे दी जाए, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो बच्चा रिकवर कर जाता है। लेकिन ये हमेशा 24 घंटे के अंदर ही दी जानी चाहिए। पहले ही जैसे समझ आए कि बुखार आया है, सर्दी है, या थोड़ी भी छींके शुरू हुई है या थोड़ी भी खांसी शुरू हुई है, तो 24 घंटे के अंदर दी जाने वाली मेडिसिन है एकोनाइट। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जिन बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, अक्सर कर छींके आती हैं ठंड के मौसम में, सितंबर अक्टूबर में जब ये थोड़ी हवा चलती है, धूल चलती है, उस टाइम जो सर्दी होती है, साइनसाइटिस प्रॉब्लम होती है, या फिर सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, उन केसेस में आर्सेनिक का रोल अच्छा है। लेकिन ये बच्चे थोड़ा थोड़ा पानी मांगेंगे हर थोड़ी देर में, और इन्हें गर्म पानी पीना पसंद होता है, ठंडा पानी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो इन बच्चों के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटेला। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें चेंजेबल सिम्टम्स अक्सर कर होते हैं, कभी कोल्ड हुआ, कभी कॉफ हुआ, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी पेट दर्द, कभी डायरिया मींस लूज मोशन, कभी वॉमिटिंग होने लगना, कभी पेट दुख रहा है तो कभी हाथ दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है। तो ये जो चेंजेबल सिम्टम्स हैं, और इसके अलावा सर्दी स्टार्ट हुई है, तब भी आप पल्सेटेला दे सकते हैं तो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। बुखार यदि आ रहा है बच्चों को, लेकिन बच्चा बहुत इरिटेबल है, गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी भी है, अपनी हर जिद, अपनी हर बात मनवा के रहता है, जरा सी बात पे चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना और गुस्सा करना, एक ही सवाल दो बार कर ले कोई तो चिढ़ जाना, एओटा कहलाता है, इस टाइप का नेचर है, और जिनमें मोशंस का कुछ ठिकाना नहीं होता, जैसे डायरिया होगा कभी कभी, कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट होते रहेंगे, या बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, इन केसेस में नक्स वोमिका हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है कैल्केरिया कार। जो बच्चे काफी हेल्दी हैं और जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत भूख लगती है, जरा से काम में जल्दी थक जाते हैं, जल्दी ही कोल्ड ले लेते हैं मींस जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी सर्दी खांसी और बुखार हो जाता है, जिन्हें पसीना भी बहुत आता है और बहुत जरा से काम में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पांच मेडिसिन को
आप अपने घर पे रखें। जैसे ही ठंड आए, थर्ड वेव का आपको पता चले कि ये आ रही है और बच्चों में ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इन मेडिसिंस को आप देकर ठीक कर सकते हैं अपने बच्चों को घर पे। पर स्टिल डॉक्टर से कंसल्ट फिर भी कीजिएगा। अपने मन से डोजेस मत लीजिएगा, डोज मेडिसिंस प्रॉपरली डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ये एक किट टाइप है कि हाँ कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।